और आज हम इन्हीं अनसंग हीरोज के आपको कुछ खास फीचर्स के गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से रूबरू कराएंगे। तो चलिए आइए शुरू। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बेहतर होता जा रहा है उतना ही हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स ये खड़े पीछे खड़े एयरपोर्ट्स मेट्रो स्टेशन और तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जितने इंप्रूव हो रहे हैं उतने ही ज्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसका समाधान हमारी रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट चिल्ला क्यों रहे हो रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे साथ इस पर बात करेंगे नितेश कुमार जो साइंटिस्ट डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और ये हमें बताएंगे कि आखिर क्या प्रोडक्ट है और कैसे काम करेगा। नितेश सपोज कभी कभी हमने जैसे हमने देखा है कि एयरपोर्ट पर कोई कोई पर्सन आता है और वो अपने बैग को चेक करता है तो हम देखते हैं कि अगर सिक्योरिटी पर्सन है उसमें कुछ फाइंड आउट किया कि कोई सस्पिशियस आइटम है या नहीं है बट दे विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो एक्चुअल में एक्सप्लोसिव है कि क्या है। ओके तो अभी हम इसको अपने सिस्टम से चेक करेंगे। ओके कि बेसिकली ये एक नॉर्मल वाटर है या कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल है जैसे कि आपने देखा नाइट्रो मटीरियल किसी भी जगह पे इसको यूज करने के लिए। आखिर इस मशीन को हम कहते हैं क्या और ये आखिर काम कैसे करती है। ये वन ऑफ द डीआरडीओ जो है लेसेक ने डेवलप किया है इसका नाम है प्रीएम्प्टर। ओके इसको हमने बोला है प्रीएम्प्टर रमन प्रो बेस्ड सिस्टम। ओके दैट्स व्हाई वी कॉल इट रमन प्रीएम्प्टर मार्किंग सिस्टम। सो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सो बेसिकली इट वर्क्स ऑन द फिंगरप्रिंटिंग रमन बेस्ड टेक्निक्स। अच्छा सो ये क्या करता है कि एक्सप्लोसिव्स का जो सिग्नेचर्स है वो जब हम एक हम अगर रमन रमन स्कैटरिंग देखते हैं तो हम अगर किसी सिस्टम पर अगर हम लेजर प्रोड्यूस करते हैं शाइन करते हैं तो उससे हमें उसके बैक स्कैटर सिग्नेचर्स मिलते हैं। ओके तो दैट इज रमन सिग्नेचर्स। तो हर मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके मीन्स इट कैन नॉट बी सेम और तो उससे हम आइडेंटिफाई और ये जब भी हम देखेंगे इट विल बी सेम ओनली दैट सिग्नेचर्स। ओके सो बाई एनालाइजिंग दो सिस्टम्स वी कैन आइडेंटिफाई कि हाँ ये RDX है TNT है अच्छा PETN है और नाइट्रोमेथेन है जैसे कि अभी आपने देखा। मेरा सवाल इन फैक्ट ये था कि अगर हम सिक्योरिटी थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो किसी भी सिचुएशन में और किसी भी फॉर्म में आ सकती है तो जाहिर सी बात है एक्सप्लोसिव डिवाइसेज जो होती हैं वो भी किसी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में होती हैं लिक्विड फॉर्म में होती हैं सॉलिड फॉर्म में होती हैं पाउडर फॉर्म में होती हैं तो उसको क्या ये इतना पोटेंशियल रखता है कैपेबल है कि उन सभी को आइडेंटिफाई करके पर्सन्स की मदद कर सकता है कि हाँ इसमें कुछ पोटेंशियल थ्रेट है तो उसके लिए आप थोड़ा हमें बताना चाहेंगे। एग्जैक्टली ये लिक्विड में काम करेगा लिक्विड सॉलिड और बहुत ही कम क्वांटिटी में होगी अगर एक्सप्लोसिव्स की देन आल्सो इट कैन आइडेंटिफाई। तो नितेश हमें इस मशीन के बारे में आप हमें बताइए क्या जरूरत पड़ी इस मशीन को बनाने के लिए और कितना वक्त लगा इस मशीन को बनाने के लिए। हाँ दिनेश जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं दे आर ऑल्सो अपग्रेडिंग इन टेक्निकल फील्ड ऑल्सो सो बींग डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम लोग कुछ ऐसा अपने फोर्सेज को प्रोड्यूस करते थे जिससे कि उनकी इस तरह की एप्लीकेशंस ईजिली हम लोग हैंडल कर पाए।